Okay, so the first question should be come in your mind that why were mattresses invented? Can anybody tell me the answer of this question? We are going to learn mattresses, so we should know what are the application of mattresses, where can we use these mattresses in our regular life. Okay, if अगर हम इसको सीख रहे हैं तो हम अपने रेगुलर लाइफ में इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ये मेन थिंग है. मेन थिंग ये नहीं है कि हम मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं. द बेसिक पार्ट व्हाई. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर मैट्रिसेस इन्वेंटेड. ओके, सो I'm going to tell you, mattresses begin in second century. Where? In second century. Second century. Kab? Second century mein start hua hai. Ab, second century BC. BC. Hum sochte honge ki mattresses jo hai, कुछ सालों पहले जो है या 100-150 साल पहले नहीं, ये सेकेंड सेंचुरी में ही इसका इन्वेंशन हुआ. इसको जो स्टार्ट करने वाले थे चाइना में, देयर वाज अ डायनेस्टी इन चाइना हुज नेम वाज हान. अ डायनेस्टी हान नाम की एक डायनेस्टी थी जो मैट्रेसेस को इन्वेंट किए. ओके, तो अब क्या होता था कि इसको क्यों यूज करते थे, मैट्रेसेस को क्यों यूज करते थे. ये जो डायनेस्टी हान थी, हान की जो डायनेस्टी थी, वो मैट्रेसेस को इसलिए यूज करती थी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए जो है डायनेस्टी हान जो है वो मैट्रिसेस को यूज करती थी. ओके, अब सपोज साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो आई एम गोइंग टू टेल यू वन एग्जांपल. सपोज आई हैव अ ए वन एक्स बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन. ओके, सो ये जो इस तरह की इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं. अब इसमें क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो है यहाँ पे x एंड y ये दो चीज क्या है, अननोन है. तो ये दो चीज को फाइंड करने के लिए डायनेस्टी हान जो है मैट्रिसेस यूज करती थी x और y को फाइंड करने के लिए. ठीक है, अब क्या हुआ कि सेकेंड सेंचुरी में बहुत सारे मेथड थे सॉल्व करने के लिए. ये जो x और y है, ये x और y को फाइंड करने के लिए बहुत दूसरे भी तरीके थे. मैट्रिसेस के अलावा भी दूसरे भी तरीके थे. जैसे एक तरीका ये था एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. सो इन दिस एलिमिनेशन मेथड, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ इज द एलिमिनेशन मेथड इज. Just remember this, there were the process or method, by those method we are able to solve the simultaneous equation. The second method was substitution method. So, ये दो तरीके थे, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड. बाय दिस टू मेथड दे वर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, अब क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया तो अब सपोज एक क्वेश्चन आया इनके पास कि अगर हमारे पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड
इज इक्वल टू डी वन. अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें थ्री अननोन्स है, जैसे इस इक्वेशन में वन अननोन, टू अननोन्स, थ्री अननोन्स, ऐसे टाइम में क्या किया जाए? क्योंकि जब अगर ऐसी इक्वेशन रह रही थी तो ये जो दोनों मेथड थे, ये दोनों मेथड जो है एप्लीकेबल नहीं थे इनको सॉल्व करने के. ओके, सो द दिस मेथड वर्क कंस्ट्रेंट विद टू अननोन्स. सो व्हाट अबाउट थ्री साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन? इन थ्री अननोन्स और फोर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन द यूजुअल मेथड आर वेरी लाइक टू, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्व थ्री और फोर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. सो अब क्या हुआ कि इस जैसी इक्वेशन को जिसमें मोर देन टू अननोन्स है, तो उस जैसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है मैट्रिक्स इन्वेंट हुआ. ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वेंट हुआ. समझ में आया? गर्ल्स, बढ़िया. फिर दोस्त अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जो चीज मैं समझा रहा हूं. ओके, तो ये समझ में आया मैट्रिक्स क्यों इन्वेंट हुआ? नो डाउट सर. ओके, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन व्हेन द नंबर ऑफ अननोन्स मोर देन टू एट दैट टाइम मैट्रिक्स इज इन्वेंटेड फॉर सॉल्विंग और फॉर गेटिंग द अननोन्स नंबर व्हेन द अननोन नंबर्स आर मोर देन टू इन साइमल्टेनियस इक्वेशन. ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, और वी कैन से द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस? ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस? नाउ टेल मी द एप्लीकेशंस ऑफ मैट्राइसेस. एनीवन? सलवा बेग, मेराजुन निशा, सैयदा फाइजा, एनीवन? वेयर कैन, वेयर वी आर यूजिंग द मैट्राइसेस इन अवर डेली लाइफ? ओके, लेट इट बी. सी, in our daily life we are using matrices in different ways, but hum nahi jante hum kahan kahan use karte. So I'm just going to tell you some application. See, if I'm talking about everything computer graphics, without matrices there would no video game. Okay, so in computer graphics, everything in computer graphic uses matrices. Your voice is not clear, sir. Your voice is not clear. Why my voice is not clear? It should be clear. Again, it's my voice is not clear. Now it's clear.
ओके सो आई एम सेइंग एवरी okay okay now the second application I'm just going to tell 4 and 5 application and matrices has many application in our daily life okay so the second application we can say a linear system linear simultaneous equation we can solve by the matrix hai na so a linear system can be seen in matrix असल में क्या है मैं आपको जो है आप जैसा अभी सुहेल सर से मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि आपको जो है डिटर्मिनेंट में कुछ डाउट है तो चाहता तो मैं आपको डिटरमिनेंट डायरेक्ट पढ़ा सकता था लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको डिटरमिनेंट डायरेक्ट बताऊं क्योंकि हमें जो है ना बेसिक थिंग पता होना चाहिए अगर बेसिक थिंग पता रहेगी ना तो उसके जरिए जो है हम डिटरमिनेंट हो या कुछ भी हो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए ओके सो ये सारी बेसिक थिंग्स है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको थर्ड एप्लीकेशन मैट्राइसेस आर यूजफुल वे टू रिप्रेजेंट लीनियर मैप बिटवीन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ये फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जो है ये आपको आगे चैप्टर में रहेगा मैथ्स 2 सेकेंड ईयर में रहेगा तो बस इतना याद रखो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में भी मैट्रिक्स का यूज होता है ओके फाइनाइट डायमेंशनल राइटिंग समझ में आ रही है वेक्टर स्पेस ओके ओके अब बात करते हैं कि हम रोज अपनी लाइफ में जो है कैमरा वगैरह यूज करते हैं तो कैमरे में जो है पिक्सल नाम की एक चीज होती है तो पिक्सल को जो है किस तरह आगे पीछे रखा जाए इसमें इसके लिए भी जो है मैट्रिक्स यूज करते हैं हम तो A good quality camera will save the captured image. Captured image. Uncorrect along with 3x3 color मतलब इसमें भी जो है 3x3 जो है एक तरीके के जो मैट्रिक्स यूज होती है पिक्सल के लिए ओके उसके बाद जो है एक एप्लीकेशन अरे कौन है कैन यू सी माय मैसेज सर विच मैसेज okay in our daily life we are using flipkart amazon netflix so usme kabhi kabhi hota hai hum jo hai kuch search karte hain aur kuch din baad jo hai hum kahi dusri website pe rehte hain to hame suggestion mein dikhata hai ki aapko ye product wagera lena chahiye to wo sari cheeze bhi jo hai ye matrix ke through hi hoti hai to jaise netflix wagera use karte hain hum netflix flipkart Amazon वगैरह इसमें जो है जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है स्टोर इंफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म इन मैट्राइसेस व्हेन इट डिसाइडिंग व्हाट मूवी रिकमेंड टू यू एंड
कंपेयर योर मूवी मैट्रिक्स. ओके आई एम कंफ्यूज टू मैसेज यू ऑन कमाल खान अकाउंट और इकबालिया 006 अकाउंट. ओके ओके आई विल टेल यू सैयदा फायजा. सो दीज आर द सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन अवर डेली लाइफ. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर देर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन अवर डेली लाइफ. सो जस्ट दीज थिंग्स कीप इन योर माइंड. नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट पार्ट इज मैट्रिसेस. व्हाट एक्चुअली मैट्रिसेस इज. ओके मैट्रिसेस ओके नॉट मैट्रिसेस जस्ट से मैट्रिक्स मैट्रिक्स. फ्रैक्चर ओके नो प्रॉब्लम सैयदा फायजा. I will be coming on the topic of determinant soon. So we will be solving the determinant question soon. Okay. So don't be panic. No need to be panic. Okay. Sure. I will help you to everyone. So can anybody define what matrices is? Okay. We are starting matrix from basic, then we will go step by step, and then when we will reach on the topic of multiplication or determinant, then at that time you will not having any doubts. Okay, number of rows into column. Okay, so now tell me the definition of matrix. Can anybody tell me? Matrix is a combination of rows and columns. Okay, that is correct, but not fully correct. Sayyida Faiza, arrangement of element in the form of rectangle. Not rectangle. Use a bracket instead of using rectangle. So the basic definition is a well arrangement number in bracket in bracket is called matrix. This is the simple definition. A well arrangement number in bracket is called matrix. A matrix is a collection of number arranged into fixed number of rows and columns. Okay, that is correct, Madiha. Arrangement of element in the form of rectangle. So this is the basic definition. So matrix, if I am taking an example of matrix, so example can be, suppose I have a matrix 1 2 3 4 5 6. This is the matrix. Okay, so a well arrangement. So here a well arrangement, as we all have same name. So ab kya hota hai ki chalo ye humne maan liye ki ye ek matrix hai, theek hai. Ab matrix, ab jis tarah jo hai hum insano ke naam hote hain, hum insano ke naam se pehchante hain ki bhai mera naam Kalam Khan hai, uska naam jo hai Faiza Liaqat hai, uska naam jo hai Konain Fatima hai, whatever. So hum naam se jo hai लोगों को पहचानते हैं. तो अब सपोज करो मेरे पास ये मैट्रिक्स है यहाँ पे, जिसमें जो है मेरे पास जो नंबर है 5 7 3 2. तो अब ये
इस मैट्रिक्स से तो ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंस है, तो अब हम इसको, हालांकि ये दोनों तो मैट्रिक्स है लेकिन इसको हम पहचाने कैसे, ये कौन सा मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो उनको जो है उनकी पहचान बताने के लिए, उसकी उनकी जो पहचान बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑर्डर। जिस तरह हम इंसानों के नाम होते हैं, हम इंसानों के नाम से पहचानते हैं कि ये फला आदमी जो है मैट्रिक्स में भी सेम चीज है कि इसको पहचाना कैसे जाए। तो अब पहचानने के लिए जो है हम यूज करते हैं ऑर्डर। क्या यूज करते हैं? ऑर्डर, है ना। सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या है कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। क्या है ऑर्डर? क्या है? हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम, हाउ मेनी कॉलम। ओके, तो अब यहां पे देखो कितने रो है यहां पे, यहां पे आप देख सकते हो। रो मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे देखो एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब यहां पे दो रो है। और कॉलम कितना है यहां पे? एक दो तीन, यहां पे तीन कॉलम है। तो ये जो चीज हमने लिखे टू बाय थ्री, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर से क्या होती है? मैट्रिक्स की पहचान होती है। टू बाय थ्री इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वेरी गुड। अब यहां पे देखो, सी हियर, वन टू रोज टू टू कॉलम, सो दैट मीन्स टू बाय टू। ओके, वेरी गुड। नाउ सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गया क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई बिलीव दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, वन टू थ्री सेवन एट नाइन। अब मैट्रिक्स में होता क्या क्या है वो चीज देखते हैं हम, ठीक है। अब ये जो है वन टू थ्री सेवन नाइन, सॉरी सेवन एट नाइन, ये जो नंबर्स है हम इसको क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट। ओके, सो दीज ऑल नंबर्स वन टू थ्री सेवन एट नाइन, ये सारी चीज क्या है? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। अब सो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये क्या है? टू बाय थ्री, ये ऑर्डर है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज ए आई जे। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए आई जे। अब ए आई जे, ए आई जे रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव रो है। क्या है? रेस्पेक्टिव रो है। और जे क्या है? रेस्पेक्टिव कॉलम है, रेस्पेक्टिव कॉलम, है ना। तो अब सपोज करो अगर मैं यहां पे इस तरह ऐसा लिख रहा हूं ए वन वन, ए वन वन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रेस्पेक्टिव रो वन है, रेस्पेक्टिव कॉलम वन है। सो रेस्पेक्टिव रो वन है, रेस्पेक्टिव कॉलम वन है। तो ये क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो एलिमेंट क्या होगा? रेस्पेक्टिव रो का, रेस्पेक्टिव
रो रेस्पेक्टिव रो वन रेस्पेक्टिव कॉलम वन, सो यहाँ पे जो है दोनों जो है मैच हो रहे, दैट मीन्स एलिमेंट विल बी वन. सो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड एज ए आई जे एंड वेर आई इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव रो एंड जे इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव कॉलम. समझ में आया? अच्छा अब चलो एलिमेंट्स. ओके अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताओ कि ए टू टू इज इक्वल टू क्या होगा. ए टू टू इज इक्वल टू व्हाट? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो एलिमेंट क्या होगा? एट नॉट टू. क्या होगा? एट होगा. एट होगा. समझ में आया? अच्छा ठीक है. अब चलो मुझे कोई बताओ कि ए टू थ्री क्या होगा. ए टू थ्री मीन्स ओके सेकेंड रो थर्ड कॉलम नाइन. क्या होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाइन. तो आंसर क्या होगा? नाइन. तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स समझ गया? ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ गया होगा. अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. ओके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. अच्छा बोर तो नहीं हो रहा है ना आप लोग को? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. ओके ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. तो अब मुझे बताओ कि आप लोग को कितने टाइप्स पता है मैट्रिक्स में? मतलब ऐसा नंबर बताओ, चार पांच छह सात जो भी है. ओके नो सर नो सर, ये बहुत अच्छा आंसर है. नो सर नो सर. अब नो सर बोल देते हैं तो एक पूरा सर के ऊपर आ जाते हैं. चलो फिर कोई बात नहीं. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले जो है बेसिक टाइप क्या है? रो एंड कॉलम. क्या है? रो एंड कॉलम. रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. ओके सो अब इफ आई टॉक अबाउट रॉ मैट्रिक्स, देन इन रॉ मैट्रिक्स वी शुड हैव ओनली वन रो एंड नंबर ऑफ कॉलम. इट कैन बी मेनी कॉलम्स. ओके so in row matrix I'm just giving an example. Row matrix, so see 1 2, sorry comma will not come, 1 2 3 4. So the condition is there would be one row. Okay, there should be one row. If there are two rows, that means that is not a row matrix. So the condition is it should contain only one row. Should contain only one row. Okay. So these types of matrix are called row matrix. और कॉलम मैट्रिक्स उसका अपोजिट, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है एक ही कॉलम होना चाहिए. सो अ मैट्रिक्स दैट कंटेन्स ओनली वन कॉलम. सो 1 2 3 दैट इज 1/3 एंड हियर सॉरी देयर इज अ थ्री रो एंड वन कॉलम एंड हियर वन रो सॉरी फोर कॉलम. सो जब भी जो है एक रो रहेगा तो इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे और जब एक कॉलम रहेगा तो उसको
कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे. सो इट शुड कंटेन only one column. Okay. तो ये हो गया रो एंड कॉलम मैट्रिक्स. नाउ so a matrix that contains zero zero element, that matrix called null matrix. A matrix in which all elements of matrix must be zero. Okay, suppose अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो है जीरो 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 जीरो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. ओके, तो ये बहुत ईजी है. नल मतलब कुछ भी नहीं, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स दोनों एक ही है. और उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. आता है रेक्टेंगुलर okay, so rectangular matrix. Okay, girls, one thing I forgot to tell you. So in order of matrix, in order of matrix, when we are representing order of matrix, so writing of order of matrix, first we are writing the horizontal, or first we are writing rows and then we are writing column. So the process of writing orders, it should be in this way. First it should come number of rows and then it number of column. So normally order of matrix can be represented as n by n, where m means number of rows, n means number of column. So one thing I forget to tell you, I am telling you again. See, m means 2, n means 3. So m means number of rows, n means number of column. So here, see here, if I'm talking about these, then this is 2 by 2. So m by n, where m is number of rows and n is number of column. So I'm talking about rectangular matrix. Okay, so in rectangular matrix there is a one condition where m is not equal to n. So at that time, that type of matrix is called rectangular matrix. Suppose I'm taking one example
Suppose I have a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you can see here there are two rows. Okay, so there are two rows and four columns. So see here, M and N both are not equal. So at that time, this kind of matrix is called rectangular matrix. Okay. So now, after rectangular matrix, we are going to see the next one is square matrix. Square matrix. Okay. In a square matrix, the condition is it M is equal to N. What? M is equal to N. So see here, I'm taking one example. By example, you will be understanding more. Example. Suppose I have a matrix. In the matrix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So see here, number of rows is 3 and number of column is 3. So just see here, M is 3, N is 3. So here, M is equal to N. That means it is a square matrix. So whenever number of rows and number of columns are equal, that means that matrix is a square matrix. Understood, girls? Okay. Girls, just leave your comment on the chat box. Okay, so अब सीन ये है, हमने जो है 1, 2, 3, 4 चार टाइप के मैट्रिक्स देखे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स. आई गॉट एवरीथिंग, माशाल्लाह. ओके, सो अब यहाँ पे सीन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे रिश्तेदार हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के. यहां से जो है इसके बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के. तो फर्स्ट ब्रांच ये है डायगोनल मैट्रिक्स. क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स. उसके बाद इसकी दूसरी ब्रांच ये है स्केलर मैट्रिक्स. कुछ भी बोल लो, भाई बोल लो या फिर रिश्तेदार बोल लो स्क्वायर मैट्रिक्स के. उसके बाद जो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी जो है इसके दो बेटे हैं. एक तो है अपर ट्रायंगल और दूसरा जो है लोअर ट्रायंगल. लोअर ट्रायंगल. ओके, उसके बाद जो है, हाँ बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं. और भी है लेकिन और मैं बताना नहीं चाह रहा. सो बस इतना ही है. और सी हियर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में इसके चार भाई है, एक डायगोनल, स्केलर,
see all types of matrix in next class. Okay, so diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, or triangular matrix, and upper and lower triangular matrix. And then we will see equality of matrix, and then multiplication of matrix, and then transpose of matrix, and we will be at the determinant part. Okay, so these all things what I had conveyed to you, I all knew this. Okay, so have you understood why matrix? So let's recap again. So the first question was, why were matrices invented? So I just answered this question, why matrix were invented. Okay, and what are the application we have done, and we have seen some application of matrices in our daily life where we are using. And now the definition of matrix and types of matrix. So we are going to see the next things, diagonal, scalar, and unit types of matrix, the rest part of types of matrix, and the equality of matrices, then property of addition, sum of two matrices, then multiplication of matrices, and then transpose of matrix, and then determinant. Okay, so for this class it is enough. So see you. Have a good day. And if you have any doubts, then you just text Meher madam and I will see to her. Okay girls, Allah Hafiz. No doubt, sir. Okay. See you.